उत्तर प्रदेश के कासगंज से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने लोक लाज के डर से अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं मर्डर के बाद शव को नदी में फेंक दिया। मामले में लड़की का शव मिलने से कासगंज कोतवाली के कादरखेड़ा इलाके में हड़कंप मच गया। नदी में लाश की मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इसी मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दो आरोपियों की तलाश में जुटी है। तेरह अप्रैल 2022 को गांव कानरखेड़ा में काली नदी के पास एक शव पुलिस को प्राप्त हुआ, तो सूचना मिली थी। मौका मुआयना इत्यादि किया गया। शव को एक बड़े से पत्थर से बांध के रखा था, दोनों हाथ जो है वो बांधे हुए थे। एक लड़की का ये जो है वो शरीर था। इन लोगों का मकसद, जो भी इसमें किलर्स थे, इन लोगों का मकसद हो सकता है कि उसको बड़े से पत्थर से बांध के पानी में डुबो दे, ताकि शरीर जो है वो ऊपर फ्लोट ना करे बाद में। जब सारा CDR का एनालिसिस और कुछ पर्चे हम लोगों ने बांटे गांव गांव में, लगभग 30 से 40 गांव में, उसके फोटो इत्यादि सारी सूचना हम लोगों ने की, तो एक व्यक्ति ने जो कि पूर्व ग्राम प्रधान है, उसकी सूचना दी कि हमारे गांव की एक लड़की है, शिनाख्त उसकी जो है शोभी डॉटर ऑफ राम अवतार के रूप में हुई थी। इस पूरे घटना का खुलासे के लिए एडिशनल SP CO सिटी और इंस्पेक्टर कासगंज को इसमें लगाया गया था। करीबन 5 टीमों का गठन इसमें किया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNews.